बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो है मटन कढ़ाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन ले लिया है, 1 किलो था, इसको मैंने गला लिया, उबाल लिया। ये 2 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया, पेस्ट नहीं कह सकते, प्योरे बना लिए, ब्लेंड कर लिया इसको। ये प्याज लिए हैं, ये 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, 3 ले लें आप दरमियाने साइज के, 4 हरी मिर्चें लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई दोनों है 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून है। तो चलें आप शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून दही लिया है, को गरम कर लिया, मटन डालेंगे, नमक भी डाल देंगे साथ ही, दो 3 मिनट इसको भूनेंगे ऐसे ही। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मैंने उबाल लिया, आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इसको फिर टाइम लगेगा गलने में, उबला हुआ होगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ, ये 70% गला हुआ है, बाकी ये भूनने में गल जाएगा। ये बहुत मज़े की और ग्रेवी वाली बनती है, हमारे घर में सबको मसाले वाली ग्रेवी वाली पसंद है तो इसलिए हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। ये टमाटर ब्लेंड किए हुए डाल दिए, 2 लिए थे बड़े, टमाटर का पानी खुश्क हो गया देखिए, तो अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे, कुटी हुई और पिसी हुई दोनों, आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें प्याज डाल देंगे, ये 3 में कटे हुए, ये प्याज डाल के मैंने 6 से 7 मिनट इसको ढक के रखा था, तो ये देखें प्याज तकरीबन गल चुके हैं, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट और भूनूंगी। अब हम इसमें दही डालेंगे, ये 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, ग
गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। ये गोश्त मैंने दुम्बे का गोश्त लिया है, मटन। इसको तेज़ आंच पे ही भूनेंगे। अब दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी से भूनेंगे, हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। अब जो मसाले रह गए वो भूनते भूनते डालते रहेंगे हम। जीरा डाल देंगे। देखें ये तकरीबन भून चुकी है, तो अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे साबुत। गरम मसाला डाल देंगे। ये देखें कितने इसमें कितनी ग्रेवी है। इसको ये देखें बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें धनिया वगैरह डाल लेंगे और इसको डिश आउट करते हैं दूसरी कढ़ाई में। व्यूअर्स, ये हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। आप लोग ये कढ़ाई बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।